दोस्तों बांग्लादेश की टीम को 3 T20 मैचों की सीरीज में धूल चटाने के लिए भारतीय टीम में लौट आया दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज, जबकि इस बल्लेबाज ने T20 में आते ही अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया और 13 शतक ठोककर इतिहास रच दिया। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं इस बैंकर बल्लेबाज के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अभी भारत की टीम ने बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को अपने नाम कर लिया, मगर दोस्तों अब बारी है 3 T20 मैचों की, जिसका पहला T20 मुकाबला आने वाले 6 अक्टूबर को ग्वालियर में खेला जाएगा और वहीं दूसरा T20 मुकाबला 9 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, जबकि आखिरी और अंतिम T20 मुकाबला 12 अक्टूबर वाले दिन हैदराबाद में खेला जाएगा। मगर दोस्तों पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहेंगे और इसको देखते हुए भारतीय टीम में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज की वापसी करा दिया है। गाइस हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की, जबकि अभिषेक शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर भारतीय टीम को जिताने का हौसला रखते हैं और अभिषेक शर्मा ने अपने डोमेस्टिक मुकाबले में 13 शतक भी ठोक रखा है, जबकि अभिषेक शर्मा का अगर बल्ला चल गया तो एक तरफा T20 सीरीज को भारतीय टीम के लिए जिता देगा और अभिषेक शर्मा के डर से बांग्लादेश की टीम भी थर थर कांपने लगी है।